धन्यवाद माननीय सभापति जी। ये तो सर्वविदित है, देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ चुकी है और केंद्र सरकार के पास कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। इसके लिए कौन जवाबदार है? इसके लिए अगर कोई जवाबदार है तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाबदार हैं, जिम्मेदार हैं, क्योंकि वे एक्शन पहले लेते हैं, निर्णय पहले लेते हैं, सोचते बाद में। नोटबंदी में निर्णय ले लिया, तत्कालीन वित्त मंत्री जी को मालूम था नहीं मालूम था नहीं कह सकते, लेकिन 50 दिन में 55 अलग अलग निर्देश निकले। इसका मतलब ये था कि बिना सोचे समझे उन्होंने निर्णय ले लिया, 87% करेंसी को मार्केट से बाहर निकाल लिया, नए नोट नहीं छपे। दूसरा, जीएसटी में निर्णय ले लिया, वही मुख्यमंत्री के रूप में उसका विरोध करते थे, लेकिन यश पाने के लिए उन्होंने निर्णय ले लिया। किसी भी देश में मल्टीपल स्लैब जीएसटी सफल नहीं हुआ है और यहां पर निर्णय लेने के बाद भी हर 3 महीने 6 महीने में रेट बदले जा रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, जीएसटी का जहां तक सवाल है, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आज हालात यह है कि कश्मीर में इंटरनेट नहीं है, वहां के कश्मीर के व्यापारियों को इंटरनेट के बिना वो अपना ऑनलाइन रिटर्न कैसे भरेंगे, उसके लिए कौन जवाबदार है? इसी के साथ साथ, जैसा कि डेरेक भाई ने बताया, 5 मुख्यमंत्रियों ने तो जॉइंट चिट्ठी लिखी है, राज्यों का आप उनका जो हिस्सा है वो नहीं दे पा रही हैं, अन्य प्रांतों के मुख्यमंत्रियों की भी हालत यही है। आखिर ये सब क्यों है? क्योंकि इसके बारे में जिस प्रकार से आपने जीएसटी को फॉर्मुलेट किया है, उससे आपके रेवेन्यू में कमी आई है। मेरे पूर्व वक्ताओं ने सारी बातें कहीं, मैं दोहराना नहीं चाहता, लेकिन बात यही है, जवाबदार मुख्य हमारे प्रधानमंत्री जी की का नेतृत्व और इनकी नीतियां, ये पूर्ण रूप से सूट बूट की सरकार के पक्ष में है। जहां तक मैं कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री, हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि मॉडर्न इंडिया दी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज जो उन्होंने बनाए थे, देवर टेंपल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। अब उसके बाद एक एक करके उनको रोका जा रहा है, बेचा जा रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ माननीय मंत्री जी से इस बात को कि आप पूरे देश की अर्थव्यवस्था बिगाड़ने में इस बारे में सोचिए कि क्यों आप जो इस हमारी जो मूल आधार रहा इस देश का, पब्लिक सेक्टर का रहा है, उसको आपने धीरे धीरे कम करते चले गए हैं। और आपने कोई भी आप बैंक देख लीजिए, पीएसबी देख लीजिए, और ये भी एक अजीब बात है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स की हालत बिगड़ती जा रही है और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के आपकी उनकी रिजर्व्स बढ़ते चले जा रहे हैं। मैं अंत में इतना ही आपसे कहूँगा कि आज यदि आपको समय भी है, आप यदि माननीय वित्त मंत्री जी, ये बात तो सही है कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर हैज डेवलप्ड द एक्सपर्टीज ऑफ फिक्सिंग द पीपल, ही डजंट हैव द एक्सपर्टीज टू फिक्स द इकोनॉमी, लेट हिम टेक द एडवाइस ऑफ डॉक्टर मनमोहन सिंह। थैंक यू।